नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र भैया और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए देश भर में 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया था। उसके बाद लॉकडाउन में सख्ती भी अपनाई गई। फिर कुछ दिनों बाद जो जहां है वहीं रहने की घोषणा भी कर दी गई। इन सभी उपायों का एकमात्र उद्देश्य था कि कोरोना का संक्रमण नहीं बढ़ पाए। सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के बाद भी कई लोग पैदल ही अपनी जन्मभूमि की ओर चल पड़े। ऐसे में भीलवाड़ा से निकले एक बुजुर्ग व्यक्ति शुक्रवार को उदयपुर पहुंचे और कांजी का हाटा स्थित उनके मकान में रहने लगे। बात यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन इनके द्वारा बाजारों में घूमने की बात भी सामने आई और खुले रूप से लोगों के संपर्क में आने की भी बात सामने आई। जैसे ही इसकी सूचना उदयपुर न्यूज़ को मिली, हमारी टीम मौके पर पहुंची और भीलवाड़ा से आए बुजुर्ग से बात की तो पता चला कि यह भाई साहब तो पैदल ही भीलवाड़ा से उदयपुर आ गए। उसके बाद उदयपुर न्यूज़ ने भी अपना फर्ज निभाते हुए इसकी जानकारी संबंधित थाने और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश खराड़ी को दी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर खराड़ी ने अपनी टीम को मौके पर भेजा और बुजुर्ग को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन किया। साथ ही 14 दिन तक अपने घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत देते हुए पड़ोसियों को भी समझाया कि यदि इस तरीके का कोई भी व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत कोरोना कंट्रोल रूम में सूचना दे। कहाँ से आए आप? भीलवाड़ा से। कैसे आए आप भीलवाड़ा? किस तरह आए आप? कहाँ से गाड़ी में बैठ के आए आप? ये मैं से। कहाँ से? भीलवाड़ा। कितने दिन से थे आप? 15 दिन रहा। अच्छा, तो आप हॉस्पिटल जाना चाहिए ना आपको, आप यहाँ क्यों आए? हाँ भैया, नाम क्या है आपका? मेरा नाम खुबीलाल है। खुबीलाल है। रहते कहाँ आप? ये मकान है। दूर रहना है, अपना खाना पीना बर्तन थोड़ा अलग रखना। आप भीलवाड़ा से आए हो तो थोड़ा सरकार की गाइडलाइन लीजिए, आपको अलग रहना है। आप बाहर दिखे, मेरा नंबर लिखा के जा रहा हूँ इनको। आप बाहर दिखे नहीं, मेरे पास फोन आ जाएगा। मेरे पास फोन आ गया तो फिर आपको यहाँ घर पे नहीं रहने दिया जाएगा। ये आप समझ नहीं रहा। OTC वहाँ पर अम्मा माता में एक जगह है, वहाँ पर रख रहे हैं जो आज भी बात नहीं मानता। समझ में आ गई? ये अंदर ही रहोगे, अपना खाना पीना कपड़े अलग रखोगे। क्लियर? मुझे कुछ जाना जरूरी है। ऐसे रोजाना कहाँ रहते हो? यही रहते हो कि वहाँ रहते हो? एक बार आता हूँ महीने में। अच्छा, वहाँ क्या काम करते हो? मैं मेराब का काम करता हूँ। मेराब मतलब क्या होता है? ये पुराने डिजाइन सिकारी।